श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी में बना राम का भव्य मंदिर दुनिया भर में चर्चा में है। हर दिन नए चमत्कार होने पर हैं। सबसे पहले खबर आई थी जटायु राज अयोध्या में आए और फिर बंदरों के झुंड देखे जाने की खबर आ रही है। इसी बीच मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी। फिलहाल मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अयोध्या नगरी ऐसे ही खास नहीं है, अयोध्या नगरी से विशेष धार्मिक महत्व भी जुड़े हैं। इसे तो अथर्व वेद में देवताओं का स्वर्ग बताया गया है और सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या नगरी को स्कंद पुराण में ब्रह्मा और विष्णु महेश त्रिदेवों की पवित्र स्थली कहा गया है। अथर्व वेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर अथवा शहर बताने ते हुए इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। वहीं स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या को ब्रह्मा विष्णु और रुद्र का स्वरूप कहा गया है। वहीं महाकवि महर्षि वाल्मीकि ने भी महाकाव्य रामायण में अयोध्या को पवित्र नगरी बताया है। अयोध्या नगरी के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर एक कथा बहुत प्रचलित है जिसके अनुसार उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य घूमते हुए अयोध्या नगरी पहुँचे। सरयू नदी के पास पहुँचने पर महाराज विक्रमादित्य को वहाँ कुछ दिव्यता का एहसास हुआ। आसपास के संतों ने महाराज विक्रमादित्य को अयोध्या की धार्मिक मान्यता के बारे में बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने यहाँ अलग अलग मंदिरों के झरने कुएं आदि बनवाए और यहाँ अयोध्या नगरी में सीता कुंड भी मौजूद है जिसकी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। काफ़ी लंबे इंतजार के बाद आज वो घड़ी आ चुकी है कि 22 तारीख 2024 को रामलला फिर से मंदिर में विराजेंगे। इस दिन का बेसब्री से पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। देश हो या विदेश हर तरफ खुशी और उत्सव का माहौल है। 22 तारीख को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए लगभग 50 देशों के विदेशी मेहमान आएंगे। अब बात करते हैं जो मंदिर में लगने वाली कुछ चीज़ों की जो सुर्खियां बटोर रही हैं, जैसे कि मंदिर में लगने वाले गेट जिसमें एक क्विंटल सोना जोड़ा जाएगा। दूसरे नंबर पर आता है मंदिर में बजने वाला घंटा जिसकी आवाज़ 20 किलोमीटर दूर तक सुनी जाएगी और जिसका वजन है 20 क्विंटल से ज़्यादा। और तीसरे नंबर पर आता है 108 फीट की अगरबत्ती जिसकी खुशबू 5 किलोमीटर दूर तक सूंघी जा सकती है। चौथे नंबर पर आती हैं राम नाम की ईंटें जो कि मंदिर में लगी हैं। हर ईंट पर राम का नाम लिखा है और कारीगरों की तो हम गिनती ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कारीगरों की 20 साल से अधिक की मेहनत लगी है जिसे कोई पैसे देकर नहीं करवा सकता। आज के लिए इतना ही, बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।